खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गोंडा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कीर्तिवर्धन सिंह के समर्थन में बूथ सम्मेलन में शिरकत कर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी को जिताने की रणनीति बनाई, तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार कीर्तिवर्धन सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की और कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। देश के कोने कोने में घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे, तभी देश में कमल खिलेगा और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, सपा बसपा शासन में मुसलमानों को लोग दमा समझते हैं, बीजेपी में हिंदुस्तान के सभी जन सामान्य लोगों को, जनता जनार्दन, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जितने लोग हैं, उनकी हम लोग सभी की सेवा करते हैं। उसमें धर्म, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर हम लोग सभी की सेवा करते हैं। प्रियंका जी, बोल दिया प्रियंका ने, छोटा सा आप देश के अंदर 14 की पहले की स्थिति आपने देखा है, राज्य के अंदर 17 के पहले की आपने स्थिति देखा। देश में बम फटते थे, गुंडागर्दी थी, श्रीनगर में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे, ट्रेन में, संसद भवन में, ताज होटल में। आज आप देखेंगे कि 14 के बाद, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, एक भी बम नहीं फटता है। अब बम कोई कहीं यदि फूटता है तो सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारा जाता है। देखिए कांग्रेस, देखिए सपा बसपा आम जितनी पार्टियां हैं, इनके शासन में मुसलमानों को पहला अधिकार देते हैं, उनका बस चले तो दलितों का, बैकवर्डरों का आरक्षण छोड़ाकर उनको देते। आदरणीय मोदी जी की सत्ता आती है तो उसी मुसलमान को भी या किसी वार्ड में चले जाएंगे 200 पक्का मकान मिलेगा, और जो गरीब है उसको भी, हिंदू को भी पक्का मकान मिला। लेकिन जब भी सपा बसपा कांग्रेस रहती है तो आप देखेंगे, आप यही देखते रहोगे उनकी गुंडागर्दी। सपा बसपा कांग्रेस, इनको आप जानते हैं, जब जब सत्ता में लूटे हैं, कभी भी लोकप्रियता के आधार पर चुनाव नहीं जीतते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखते थे, एक बार सपा को निपटाते थे लोग बसपा जाती थी, बसपा को निपटाते थे सपा जाती थी। पहली बार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी को लोकप्रियता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। बताओ ना राहुल गांधी, कांग्रेस पूरा परिवारवाद, वंशवाद के लिए जीते हैं। आदरणीय मोदी जी का परिवार के एक सदस्य भी साल नहीं छूता भाई, सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ रहा है। ये तो पूरे सत्ता का सुख पूरा खानदान उठाता है, यहाँ तक कि मम्मी पापा अलग है, नानी नाना भी आ जाते हैं, इटली से लेकर यहाँ तक सब लूटते हैं। सपा बसपा कांग्रेस तो जिन्ना का सम्मान करते हैं सब,